तालाब की कोई वैल्यू नहीं है, नदी की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि तालाब संग्रहित करता है और नदी उदारता से सबको देते चलती है। नदी कभी ये नहीं पूछती मेरे पास आने वाला सही है या नहीं है, मेरे पास आने वाले को पानी की जरूरत है या नहीं है, वो मेरे पास में आकर के मेरा पानी लेकर के उसकी बर्बादी तो नहीं करता, उसका बिगाड़ तो नहीं करता। नदी कभी ये नहीं देखती। नदी का एक ही उसूल है, मेरे पास जो भी आए वो भर के जाए, खाली नहीं जाए। और इसलिए हमारे यहां पे नदियों की पूजा होती है, तालाबों की पूजा नहीं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, हमारे यहां पे पूजा की जाती है, क्योंकि नदी का एक ही उसूल है, उसके पास जो भी गया वो खाली वापिस नहीं लौटेगा, कुछ ना कुछ लेकर आए। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, जीवन में देते रहना बहुत जरूरी है। गिव, देते रहो, जहां अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, जिसको देने का अवसर मिले, जो स्थल पे, जो समय पे आपको अवसर मिल जाए, देते रहो, देना बड़ा जरूरी है। और इसलिए हमारे शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि दान चार प्रकार के हैं। दान तो आप भी करते होंगे, मैं मना नहीं करता, आपने भी जीवन में दान दिया होगा, मैं मना नहीं करता, बहुत दान आपने अपने जीवन में दे दिया होगा, लेकिन आप चेक कर लेना आपका दान कैसा। हमारे यहां लिखा गया कि चार तरह के दान होते हैं। था सबसे पहला दान, उत्तम दान जो कहा गया, सबसे सुंदर दान जो कहा गया, सबसे पहले नंबर पे जो कहा गया, उसके भीतर कहा गया कि ढूंढ करके दान देना, जिसको जरूरत हो उसको ढूंढना और ढूंढ करके दान देना। समझना, आज तक हम कैसा दान करते आए और हमें कैसा दान करना चाहिए। कहा सबसे उत्तम दान, सबसे टॉप क्वालिटी का दान यदि कोई है तो वह है ढूंढ करके दान देना। सच कहना, आप जीवन में कभी ढूंढने के लिए निकले कि आज मुझे 1000 रुपए का दान करना है तो मैं किसको करूं? उत्तम दान शायद हम जीवन में नहीं कर पाए। मुझे बराबर याद है, हम मुंबई से अहमदाबाद की ओर विहार कर रहे थे, गुरुदेव तपाकच्छाधिपति प्रेमश्रीश्वर जी महाराजा मौजूद थे। उस समय गुरुदेव के एक परम गुरु भक्त गुरुदेव के पास आए और आकर के गुरुदेव से विनती करी कि गुरुदेव, शायद हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम साधर्मिकों को ढूंढने जाए, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनको ढूंढ करके दान दे, लेकिन आप ये 550 किलोमीटर का विहार करोगे और मैं आपको दो हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, गुरुदेव आपको यदि कहीं पर भी साधार्मिक दिख जाए, कहीं पर भी साधार्मिक मिल जाए, कहीं पर भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिख जाए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए, तो निश्चित तौर पर मुझे बता देना, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप 550 किलोमीटर के विहार के भीतर 25 लाख रुपए तक का दान आप कर सकते हो, मेरी ओर से मैं देना चाहता हूं। ढूंढ करके हमने कब दान किया? अभी चतुर्मास प्रवेश के अवसर पर बंबई से गुरु भक्त आए थे, समाज सेवी, गुरुदेव को आकर के कहकर के गए कि गुरुदेव, यहां आसपास में आप यह एरिया में पहली बार पधारे हो, यहां आसपास में आपको एक भी साधार्मिक नजर आए, आपको लगे कि इनको करने जैसा है, ये बड़े जरूरतमंद है, इनको पैसों की जरूरत है, गुरुदेव आप मुझे बिना पूछे आपको जो फिगर सही लगे उनके साथ डन कर लेना, मैं पैसे भिजवा दूंगा। ढूंढ करके दान हमने कब दिया? शायद आज तक नहीं दिया, और इसीलिए दान का फल हमें मिलता नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा, चार तरह के दान, सबसे पहले नंबर का दान उत्तम दान, और यह उत्तम दान है ढूंढ करके देना। सच कहना, आप जब दान करते हो तो आपके शब्द क्या होते हैं? लाभ लिया या लाभ मिला, क्या कहते हो आप?
लाभ लिया या लाभ मिला, ज्यादातर हमारे शब्द क्या होते हैं, हाँ लाभ लिया, ज्यादातर आप यही शब्द का इस्तेमाल करते हो। अरे गुरुदेव हमने ये जगह यहाँ लाभ लिया, हमने मंदिर में ये लाभ लिया, हमने यहाँ पे ये लाभ लिया, हमने धर्मशाला में ये लाभ लिया, हमने भोजनशाला में ये लाभ लिया। लेकिन जो असल में दान करता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने लाभ लिया, अरे वो तो मानता है कि देव गुरु धर्म की कृपा से मुझे उत्तम लाभ मिला है। जहां लाभ लिया आता है वहां मैं बड़ा हो जाता हूं, और जहां लाभ मिला आता है वहां मेरे परमात्मा बड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन भर खुद को बड़ा बनाते रहे। अरे गुरुदेव मुझे लाभ मिल गया, अरे क्या मिल गया, हमारे पास था क्या, आज जो भी है देवगुरु धर्म के आशीर्वाद से है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, आज के बाद जीवन में कहीं पर भी लाभ लो, जीवन में यह मत बोलना कि लाभ लिया, हमें क्या बोलना है, लाभ मिला। अरे पुण्यशाली होते उनको लाभ मिलता है, जो पुण्यहीन है, जो भाग्यहीन मनुष्य है उसको लाभ नहीं मिलता है। समझ लेना, हमारा पुण्योदय होता है तब हमें लाभ मिलता है। जीवन में कभी ये न कहना कि लाभ लिया, हमेशा ये कहना कि लाभ मिला। पहला उत्तम दान ढूंढ करके देना, दूसरा मध्यम दान, और दूसरे दान के अंदर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं बुला करके देना। आपको पता है कि कोई साधार्मिक है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको 10,000 रुपए चाहिए, आप देने के लिए तैयार भी हो, लेकिन सच कहना हम उसके घर देने जाएंगे या बुला करके देंगे, क्या करेंगे, हाँ हमारे ऑफिस पे, हमारे घर पे, हमारी दुकान पे हम कहेंगे भैया आ जाओ और आ करके, इसको दूसरे नंबर में रखा है बुला करके देना। हम सामने ढूंढने के लिए नहीं गए, हम सामने से देने के लिए नहीं गए, हमने बुला करके दिया, इसको शास्त्रकार भगवंत ने दूसरे क्रम पे रखा है, कहा मध्यम दान। आपको कोई ध्यान में आए, आपने उसको बुलाया, बुला करके उसको दे दिया। कहा तीसरा दान अधम दान, झुका करके देना। पहला ढूंढ करके देना, दूसरा बुला करके देना मध्यम दान, और तीसरा दान कहां अधम दान, उसको झुका करके देना। कई बार हम देते तो है लेकिन देने के बाद हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एक चीज समझ लेना, हमारा खुद का जीवन, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप खरबपति हो, चाहे आप रोड़पति हो, हमारे हर एक व्यक्ति का जीवन एक दूसरे के एहसानों से चलता है, बिना एहसान हम जीवन नहीं जी सकते। मैं आपको बताऊं, आपकी थाली में जो रोटी आती है ना, रोटी समझना, आपकी थाली में जो रोटी आती है, जिससे आप भोजन करते हो, जिसको आप खाते हो, वो थाली में रोटी जब पहुंचती है तब तक आपके ऊपर 15 लोग एहसान करते हैं, बीज बेचने वाले से लगा करके, बीज बोने वाले से लगा करके, बीज उगाने वाले से लगा करके, बनाने वाले तक और आप तक पहुंचाने वाले तक मिनिमम 15 लोग आपके ऊपर उपकार करते हैं, तब एक रोटी हमारी थाली। हम ये सोचे हम दूसरों पे उपकार करते हैं, अरे हम साधु हैं, हमारा भी जीवन दूसरों के उपकारों से चलता है, तो आप संसारी हो, आपका भी जीवन दूसरों के उपकारों से चलता है। और कहा शास्त्रकार भगवंतों ने झुका करके दान देना ये सबसे अधम दान। हम सामने वाले को झुका देते हैं, हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, तू बहुत छोटा है, तू मेरे पैर की धूली के बराबर है, तू मेरे नीचे रहेगा, ऊपर उठने की जीवन में कोशिश मत करना, ये बता करके हम दान देते हैं। इसको शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि समझ लेना ये अधम दान है।
सामने वाले को हम झुका देते हैं, उसको मांगने पर मजबूर कर देते हैं, ये अधम से अधम दान है। और चौथा दान शास्त्रकार भगवान ने कहा निष्फल दान। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अधम और चौथा निष्फल। कहा कि कुछ लेकर के दान देना ये निष्फल दान। आपने सामने वाले को तो कुछ किया, उसके लिए कुछ किया, उसको कुछ दिया, लेकिन उसको सामने वसूल कर दिया। किसी को एक चाय तो पिलाई, दुकान में आए तो, लेकिन जाते जाते दो काम सौंप दिए कि जरा ये काम करके जाना। ये हमारी मेंटालिटी। दुकान में जो आए उसको चाय तो पिला देते हैं, लेकिन दो काम सौंप देते, अरे भाई इसको जरा ये पहुंचा करके जाना, इसको ये करके जाना, ये दान नहीं है, ये निष्फल दान। हमारे यहां लिखा गया कि बार्टर सिस्टम है, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। और इसलिए हमारे यहां स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यदि समझ लेना दान देने के बाद में हमारी यह भावना हो मेरा नाम कैसा आएगा, कितना बड़ा आएगा, तख्ती मेरी कितनी बड़ी लगेगी, अरे संस्था की व्यवस्था हो वो नाम लिखे, उनकी भावना से लिखे, अनुमोदना करने के लिए लिखे, वो अलग बात है। लेकिन हमारे मन में ये भाव हो कि मैं इतना पैसा दे रहा हूं, मेरा नाम कितना बड़ा आएगा, तो समझ लेना ये भी एक तरह का निष्फलता। और इसलिए हमारे यहां कहा गया कि समझते रहो, हमेशा चेक करते लेना कि जब जब हम दान देने के लिए निकलते हैं हम क्या करते हैं, ढूंढ करके देते हैं, बुला करके देते हैं, झुका करके देते हैं, या कुछ ले करके देते हैं। चेक कर लेना हमारा दान कौन सा है, उत्तम दान है, मध्यम दान है, अधम दान है या निष्फल दान है। और जीवन में आज से संकल्प जरूर कर लेना जब जब भी दान दे तब हमारे एक ही शब्द हो, लाभ लिया नहीं पर लाभ। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।